नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में हार मिलने के बाद आज कांग्रेस तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने जा रही है। जी हां, आपको बता दें 56 वर्षीय रेवंत रेड्डी आज यानी गुरुवार को तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह हैदराबाद के LB स्टेडियम में दोपहर 1 बजे आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें इस कार्यक्रम में पूरा गांधी परिवार यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगे और लगभग 1 लाख लोगों के उपस्थिति के अनुमान लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने वाले रेवंत रेड्डी ने कल दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की और बधाई स्वीकार करी। आपको बता दें तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी 10 साल से अधिक समय तक सत्ता पर काबिज रहे चंद्रशेखर राव की जगह लेंगे। गौरतलब है कि रेवंत रेड्डी ने नए राज्य तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे आज। आपको बता दें रेवंत रेड्डी का जन्म 1969 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में हुआ था। रेड्डी ने अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत ABVP के साथ की थी। बाद में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए थे। 2014 में उन्हें तेलंगाना विधानसभा में तेलुगु देशम पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। रेवंत रेड्डी 2017 में कांग्रेस में शामिल हुए लेकिन 2018 का विधानसभा चुनाव हार गए। 2021 में कांग्रेस ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी और प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसी के बाद उन्होंने संघर्ष करते हुए मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया। जहां आज तेलंगाना में मुख्यमंत्री पद की ओथ सेरेमनी है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा अभी तक अपने जीते 3 राज्यों में मुख्यमंत्री पद की घोषणा नहीं कर पाया है। इसी के साथ तेलंगाना विधानसभा चुनाव में BRS को शिकस्त देने के बाद आज कांग्रेस नेता अनमोला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।